जैसा कि हमारी जमीन पर के कुछ हिस्से पे कब्जा करके छूटी एनओसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लड़काना पेट्रोल पंप बना के बैको पेट्रोल पंप खोला गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और उनके हुक्म के मुताबिक मुख्तारकार को हुक्म दिया गया कि इसको टेक ओवर किया जाए। मुख्तारकार ने 52 नंबर सर्वे नंबर को टेक ओवर किया जिसपे ये पेट्रोल पंप भी बना हुआ था, लेकिन अभी अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करके झूठी एनओसी के बावजूद उसको जो है ना पेट्रोल पंप को खोला गया 5 तारीख को। और मुख्तार करके ने मुझे बताया कि ये हम एडवोकेट जनरल के हुक्म के जरिए खोल रहे हैं। मेरा इंजाम ऐसे ही एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया था 7/12/2018 को कि इसका पोजीशन लो और इसको तब खुलेगा ये जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट हो वो खोल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको खोला गया और रब्ता करने पे बैको कंपनी ने हमें बताया कि हम अपना कोई भी इसको पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी पेट्रोल पंप चल रहा है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से और नेप के चेयरमैन से यही अर्ज है कि किस तरह इलीगलिटी होता है और इससे लोगों के दिलों में क्या एहतराम होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर का।